देखिए आंसू गैस के बीच इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की ये जाबाज रिपोर्टिंग। एक बार फिर लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री के घर की तरफ बढ़ रही है। गेट को तोड़ना चाहिए इस मांग के साथ देखिए लोग कैसे जो है प्रधानमंत्री के घर की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये निजी आवास है, इस वजह से सेना की यहाँ पर तैनाती की गई है और लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो इस निजी आवास के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करें। लेकिन जिस तरह से रणिल विक्रमसिंघे जो है वो अगले राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं ऐसी खबरें आ रही है, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है जबरदस्त है यहाँ पर फूट गया। कुछ कैसे देखिए कुछ प्रोटेस्टर जो है वो चार दीवारी के ऊपर चढ़ गए जहाँ सेना तैनात थी, और वहां पर अब श्रीलंका का ध्वज जो है फहराया जा रहा है। एक सिम्बॉलिक मैसेज है कि किस तरह से उन्होंने एक बार फिर रणिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को, जहां पर शनिवार को कोशिश की गई थी उसके बाद घर में आग लगा दी गई थी, एक बार फिर उसको कब्जा करने की यहां पर कोशिश हो रही है। और रह रहकर हर 5 से 10 मिनट में जैसे ही लोगों की भीड़ गेट के बाहर ज्यादा होती है, सेना के जो जवान हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वो टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं और लोग एक बार फिर जो है पीछे की तरफ भागने की और मजबूर हो जाता है, क्योंकि टीयर गैस जो है बहुत ज्यादा जलन पैदा कर रही है। ये चीज हमने खुद और हमारे कैमरामैन शिशिर ने भी महसूस की। एक बार फिर देखिए किस तरह से जो पानी की फुहार यहाँ पर लाई गई है, एक बार फिर देखिए टीयर गैस जो है वो इसलिए लोग जो है लगातार वापस पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर कैसे जो है टीयर गैस यहाँ पर दागी गई है वेस्टर्न के अंदर से, और किसी व्यक्ति ने उसे उठाकर वापस सेना की तरफ उछाल दिया है। अब ये चीज यहाँ पर लगातार हो रही है, जैसे ही टीयर गैस का शेल जो है बाहर आता है तुरंत उसे कोई ना कोई प्रोटेस्टर उठाता है और उसे वापस एक बार फिर सेना की तरफ, पुलिस की तरफ उछाल देता है। एक बार देखिए इस तरफ बहुत दूर दूर तक अब टीयर गैस जो है यहाँ पर शेलिंग की जा रही है। जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस बात से, जो आप देखिए किस तरह से लोग जो है उसे उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक यहाँ पर टीयर गैस जो है वो शेलिंग की जा रही है और आंखों के जलन शुरू हो गई है, क्योंकि धुआं जो है इस तरफ आ रहा है और त्वचा भी जलती है इस धुएं के साथ साथ। और लोग देखिए किस तरफ गली की तरफ जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एक बार फिर यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको दिखाने की कोशिश करें। बोल पाने की भी स्थिति नहीं है क्योंकि धुआं जो है मुंह के अंदर जा रहा है, इस वजह से देखिए चारों तरफ देखिए किस तरह से जो है जो टीयर गैस का जो शेल है उसकी वजह से धुआं यहाँ पर पहुंचा है। कैसे लोग जो है पानी जो है डाल रहे हैं सर, पानी पानी से पानी डालकर इसे जो है जलन से थोड़ा बचा जा सकता है। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो भी पूरी जो त्वचा है वो जलती है, इसी वजह से लोगों को यहाँ से जैसे ही टीयर गैस की शेलिंग होती है यहाँ से भागना होता है। बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का यह आवास है और लगातार एक के बाद एक आधा दर्जन टीयर गैस की शेलिंग यहां पर हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।